मैम ये बेसिकली जो है ये वर्टिकल फार्मिंग का प्रोजेक्ट है, तो हम लोग 60 एकड़ का वर्क जो टर्मरिक का फार्मिंग है इस तरह का, वो हम लोग 1 एकड़ में करते हैं, तो ये वर्टिकल फार्मिंग का भाग है जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। तो सारी चीज़ जो है जो पॉली हाउस के अंडर की जाती है, तो सॉइल बेस्ड हाईटेक वर्टिकल फार्मिंग अंडर पॉली हाउस करने वाली हम इंडिया की इकलौती कंपनी है। हम लोग महाराष्ट्र से हेड ऑफिस बिलोंग करते हैं एंड हम लोग महाराष्ट्र से यहाँ पे आए एग्जीबिशन के लिए। हमारा ऑल ओवर इंडिया में 1400 प्लस बुक प्रोजेक्ट्स है, 800 प्लस एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट है एंड जम्मू में हम लोग का करेंटली मिश्रीवाला में प्रोजेक्ट रनिंग है। तो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड आप विजिट कर सकते हो वहाँ पे। मेजरली हमारा जो है वो दो टाइप के चीज़ें हम ऑफर करते हैं, एक तो आप खुद की ज़मीन पे से प्रोजेक्ट लगवा सकते हो या आप 1 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके हमारी कंपनी के साथ जुड़ सकते हो, हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आप 60 एकड़ की जगह में जब 1 एकड़ का फील्ड ले रहे हो, तो आपका 60 एकड़ की जगह, 60 एकड़ को लगने वाला पानी और 60 एकड़ में लगने वाला पैसा, उसके लिए लेबर, ये सारी चीजें बच जाती है। आप 1 ही एकड़ में अपना काम करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट एक ही जगह से ले सकते हो। ये कैसे करते हैं आप, मतलब वर्टिकल? ये बेसिकली अगर आप इसमें जैसे देख पाओगे तो इसमें वर्टिकल फार्मिंग के से ट्रेज होते हैं, इस तरह के ट्रेज होते, तो इन ट्रेज में इस तरह की हल्दी लगाई जाती है और ये जो है 5 to 7 लेयर के ट्रे होते उसमें हम लोग हल्दी लगाते। अगर हम लोग 1 एकड़ की जगह पे अगर फार्मर नॉर्मली लगाने जाए तो वो 35,000 से ज्यादा सीड लगा नहीं पाएगा, तो वही हम लोग 1 एकड़ के जगह पे 2 लाख से ज्यादा सीड लगा लेते हैं, जिसका पर सीड एवरेज ईल्ड हमको 2 से 1.5 किलो तक आता है। तो उसके वजह से हम लोग 60 एकड़ वर्थ ईल्ड को 1 एकड़ में ले आते हैं और ये जो है ड्रिप इरिगेशन के साथ होता है तो पानी सबसे कम लगता है। दिस इज 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें किसी तरह के आर्टिफिशियल पेस्टिसाइजर का या किसी ग्रोथ स्ट्रेंथनर का यूज नहीं होता एंड इससे जो हल्दी निकलती है इट हैज एन हायर वैल्यू। इसमें कर्क्यूमिन नाम का एक कंटेंट होता है हल्दी में, जिसके वजह से उसको उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलता है। हमारी हल्दी में वो कर्क्यूमिन वैल्यू आप जब देखोगे तो मोर देन 7% ऑफ कर्क्यूमिन है, तो दिस इज द हाईएस्ट कर्क्यूमिन वैल्यू टर्मरिक। और इसमें हम लोग ने काफी तरह से इसके अलावा हम लोग एक्वा कल्चर भी करते हैं, जिसमें हम लोग 300 एकर्स में फिलहाल महाराष्ट्र में श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं, जिसको वेनामी कल्चर कहते हैं, प्रॉन्स जिसको आप कह सकते हो। तो उसमें भी हम लोग ने रेवोल्यूशनरी नई टेक्नोलॉजी की है, तो स्वीट वाटर सॉल्ट वाटर फिश भी हम लोग करते हैं। तो कंपनी इज वर्किंग इन मोर देन 10 वर्टिकल्स अलग अलग जगह पे। तो फिलहाल हम लोग जम्मू में अभी एंटर कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू रॉक द मार्केट्स। ये वो ड्रिंक है इस वाली, इसमें आप जैसे आप देख सकते हो टर्मरिक, लेमन, जिंजर, तुलसी, गार्लिक, एप्पल साइडर विनेगर, ये सारी चीजें हैं एंड इट इज अ वेरी गुड प्रिवेंशन इन द केस ऑफ एसिडिटी, हार्ट ब्लॉकेज, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एक्स्ट्रा फैट डिसॉल्व होता है, एंटी एजिंग, रिड्यूस डिप्रेशन।